अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ खोआ या फिर मावा घर पर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी और आसानी से खोआ बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही। और चलिए, इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है, इसको मैंने अब चूल्हे पर रख दिया। फ्लेम को आपको मीडियम टू स्लो ही रखना है। और अभी दूध को हम पकाएंगे जब तक कि ये पूरा आधा नहीं हो जाता। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इसको पका लेना है। तो फ्लेम को अब मैंने लो कर दिया और ये देखिए दूध में उबाल आ जाए, तो आप इस तरह से मिक्स करते रहें। और ये दूध अब इसकी क्वांटिटी से आधा होने को थोड़ा सा कम बाकी है। पहले दूध इतना था, अब ये इतना हो चुका है पकते पकते। तो हमें इसको ऐसे ही पकाते रहना है जब तक ये आधे से कम नहीं हो जाता। तो अब ये देखिए 5-6 मिनट के बाद दूध पूरी तरीके से 1/4 कप बच गया था, मतलब कि आधे लीटर में से सिर्फ 1/4 कप ही बचा। तो तब मैंने इसको एक दूसरे फ्रीजर में ट्रांसफ़र किया। अब आपको फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पका लेना है 2-3 मिनट तक। बहुत ही आसानी से खोआ बन जाता है। तो अब देखें 2-3 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से, अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। तो इसको ठंडा होने देते हैं 15-20 मिनट के बाद। और ये हमारा खोआ बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही खोआ बनाएं। और आप इसको फ्रिज में स्टोर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।